नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। आज कहानी मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार के एक एक्स यानी पूर्व मुख्यमंत्री की है। ये उस दोस्ती की कहानी है जो कभी जय वीरो की दोस्ती थी, मगर कब ये जय वीरो की दोस्ती टूटी और कब दोनों के बीच में दरार आई और कब दोनों की दोस्ती दुश्मनी में बदल गई और कौन सा वो ऐसा दिन था जिस दिन इन दोनों के बीच में बुनियाद उस दुश्मनी की पड़ी, राजनीतिक दुश्मनी की, के फिर दोनों की राहें जुदा हो गई और ऐसी जुदा हुई कि फिर दोनों एक बार साथ भी हुए मगर फिर अलग हो गए। जी हाँ, बिल्कुल सही समझ रहे हैं, मैं बात कर रहा हूं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की और पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की। बिहार में जब कर्पूरी ठाकुर की मृत्यु हुई और वो विपक्ष के नेता थे, तब विपक्ष की सीट खाली हुई थी और नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव, जो छात्र आंदोलन के समय से ही कहा जाए तो एक तरह से एक दूसरे के साथ छात्र आंदोलन में साथ थे, फिर धीरे धीरे और ज्यादा करीब आए और फिर इतना करीब हुए कि जब 1989 यानी 1989 में कर्पूरी ठाकुर की जगह खाली हुई तो विपक्ष का नेता बनाए जाने के लिए नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद को आगे बढ़ाया और अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाकर अपनी सारी रणनीति उसमें झोंक कर लालू प्रसाद यादव को विपक्ष का नेता बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। जी हां, वही नीतीश कुमार और लालू प्रसाद की कहानी। जब नीतीश कुमार और लालू प्रसाद की दोस्ती इस तरह साथ थी कि जब लालू प्रसाद यादव 10 मार्च 1990 को मुख्यमंत्री बने तो उससे पहले कैसे माहौल को लालू यादव के फेवर में किया, कैसे विधायकों को एकजुट किया और कैसे विधायकों से लालू प्रसाद यादव के हक में वोट डलवाया और तब भी नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव के एक तरह से चाणक्य कहे जा सकते हैं। जी हां, वही नीतीश कुमार जब लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बन गए तो फिर दोनों साथ चले 1990 के बाद, मगर लालू प्रसाद यादव धीरे धीरे अपने रंग में आने लगे। लालू प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनने में भले ही उन्होंने बहुत सारे तिगड़म किए हों, बहुत सारे गोटी सेट की हो, बहुत नीतीश कुमार और लालू यादव ने बहुत सारी भूमिकाएं निभाई उस माहौल को क्रिएट करने में, ताकि लालू प्रसाद यादव सारे विधायकों के नेता बन सके, मगर जब मुख्यमंत्री बन गए तब कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव अपने एक जोन में आते चले गए और वो हर उस अपने को खुद से धीरे धीरे दूर करते चले गए जिनसे उनको मदद मिलती थी, जो हमेशा लालू प्रसाद यादव के साथ होते थे और लालू प्रसाद यादव के लिए हमेशा दो कदम आगे रहते थे और उसमें से एक थे नीतीश कुमार। फिर जब नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव में आपस में कहीं ना कहीं दूरी बनने लगी और नीतीश कुमार को ऐसा लगने लगा कि अब लालू प्रसाद यादव के साथ ज्यादा दूर आगे चलना मुश्किल है, मगर फिर भी नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव के साथ थे। मगर एक दिन की बात है, ये बात है 12 फरवरी 1994 की, यानी 12 फरवरी 1994। ये एक ऐसा दिन था जब बिहार का पटना और पटना का ऐतिहासिक गांधी मैदान, लोगों की भीड़ जुट रही थी और उसमें उस ऐतिहासिक गांधी मैदान में एक ऐतिहासिक रैली होने वाली थी। ये रैली थी कुर्मी की चेतना रैली, यानी कुर्मी चेतना रैली। जी हां, इस रैली में एक तरह से कहा जाए तो लव कुश कहा जाता है कोयरी और कुर्मी समुदाय को बिहार में, और इस रैली में कुर्मी और कोयरी समुदाय, खासकर कुर्मी, क्योंकि ये रैली, इस रैली का नाम ही था
कुर्मी चेतना रैली, और ये रैली लालू प्रसाद यादव के खिलाफ उनकी, कहा जाए तो उनकी सरकार की मुखालफत, उनकी सरकार के विरोध में ये रैली हो रही थी। हाँ, ये जरूर है कि उस रैली में उस वक्त तक नीतीश कुमार की कोई भूमिका इसमें नहीं थी, ना इसको मैनेज करने में, ना इसको अरेंज करने में, ना इस रैली को बुलाने में, मगर लालू प्रसाद यादव के खिलाफ ये रैली जमा हो चुकी थी। और ये रैली 12 फरवरी 1994 को लोगों के हुजूम पटना की तरफ बढ़ रहा था, खासकर नीतीश कुमार का जो गढ़ माना जाता है नालंदा, बिहार शरीफ, बाढ़, ये सारे वो इलाके थे जहां नीतीश कुमार को लोग जानते थे, लोग पहचानते थे, और नीतीश कुमार उसी इलाके नालंदा से आते हैं। मगर फिर भी नीतीश कुमार इस रैली के लिए तैयार नहीं थे। मगर नीतीश कुमार इस रैली में, कहा जाए तो, हिस्सा लेने के लिए तैयार नहीं थे। मगर एन रैली के दिन यानी 12 फरवरी को विजय कृष्ण, जो उस समय से पहले लालू प्रसाद यादव की सरकार में मंत्री थे, मगर लालू प्रसाद यादव से उनकी कुछ नोक झोंक हुई और उन्होंने लालू प्रसाद यादव की सरकार से के मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। और विजय कृष्ण ने नीतीश कुमार को सुबह 12 फरवरी को अपने आवास पे, यानी पटना के छज्जूबा, जो कि गांधी मैदान से बिल्कुल करीब है, वहां अपने आवास पर नीतीश कुमार को नाश्ते पे बुलाया और नीतीश कुमार से को ये समझाने लगे कि तुम इस रैली का अहम हिस्सा बन सकते हो, आज ये रैली है और इस रैली में तुम्हें आगे आने का बहुत बड़ा मौका मिल रहा है। मगर नीतीश कुमार इस बात के लिए तैयार नहीं थे। कहीं ना कहीं तब भी नीतीश कुमार के दिल में लालू प्रसाद यादव के लिए इतना जरूर था कि भले ही वो ये सोच रहे थे कि मैं लालू प्रसाद यादव के साथ ज्यादा दूर तक अब नहीं चल सकता, मगर फिर भी नीतीश कुमार के दिल में लालू प्रसाद यादव को देखकर, लालू प्रसाद यादव के लिए कहीं ना कहीं अंदर से ये जरूर होता था कि लालू प्रसाद यादव क्या सोचेंगे मैं अगर इस रैली में, क्योंकि ये रैली लालू प्रसाद यादव के खिलाफ थी। और क्यों थी वो भी मैं आपको बता दूं कि वो इसलिए थी क्योंकि लालू प्रसाद यादव के बारे में एक बात ऐसी उड़ रही थी कि लालू प्रसाद यादव कोयरी और कुर्मी को बैकवर्ड क्लास से बाहर करने वाले हैं, तो इसके खिलाफ ये रैली शुरू हुई थी। विजय कृष्ण लगातार नीतीश कुमार को समझा रहे हैं और नीतीश कुमार नाश्ते के टेबल पर बैठकर बार बार निवाला को मुंह में लेने की कोशिश कर रहे हैं, मगर वो इस कदर परेशान और इस कदर कंफ्यूज थे कि वो नाश्ता कर नहीं पा रहे हैं, चेहरे पे पसीना भी टपक रहा है कभी वो, जबकि फरवरी का महीना था, ठंड का मौसम था, मगर फिर भी नीतीश कुमार कंफ्यूज थे, परेशान थे, थोड़ा पसीना भी चल रहा था, और उस सबके बीच दिल में आता था कि क्या करें, जाए नहीं जाए। और रैली की आवाज अब धीरे धीरे गूंजने लगी क्योंकि वह रैली का हो चला था। गांधी मैदान की उस ऐतिहासिक रैली में अब भाषण दिए जा रहे थे और लालू प्रसाद यादव के खिलाफ नारे लग रहे थे, आवाज छज्जू बाग के उस आवाज तक भी पहुंच रही थी जहां नीतीश कुमार मौजूद थे। विजय कृष्ण लगातार नीतीश कुमार को जोर दे रहे थे कि तुम रैली में शामिल हो। तभी नीतीश कुमार अपने दोस्त ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू की मारुति 800 पर बैठते हैं और गांधी मैदान की तरफ रुख करते हैं। मगर फिर गांधी मैदान के बाहर अपनी कार जब रोकते हैं तो फिर वो वही सोचने लगते हैं कि लालू प्रसाद यादव क्या सोचेगा। और उधर लालू प्रसाद यादव अपने घर में बेचैन टहलते हैं, कभी बैठते हैं, और लालू प्रसाद यादव लगातार ये पूछ रहे होते हैं अपने अधिकारियों से, या फिर कहें कि अपने जो उनके इंटेलिजेंस के लोग थे, कि क्या हुआ, नीतीश पहुंचा, पता करो नीतीशवा पहुंचा कि नहीं, क्योंकि लालू प्रसाद यादव को यह शक था कि नीतीश कुमार इस रैली का हिस्सा बन सकते हैं, और उन्होंने नीतीश कुमार को पहले ही आगाह कर दिया था कि अगर वो इस रैली का हिस्सा हुए तो मतलब है कि वो लालू प्रसाद यादव से अलग हो जाएंगे। और उधर नीतीश कुमार परेशान कार में बैठकर वो रैली की तरफ देखते हैं, मगर हिम्मत जुटाने में वक्त लगता है कि क्या करें। और उधर लालू प्रसाद यादव लगातार पूछते हैं कि नीतीशवा पहुंचा कि नहीं, पता करो। और नीतीश कुमार कश्मकश में गाड़ी में बैठे होते हैं,
वो कार से कभी कदम बाहर निकालते कभी अंदर रखते और उधर लालू प्रसाद यादव लगातार पूछ रहे होते हैं कि नीतीश वा पहुंचा कि नहीं, पता करो। अब आगे क्या होता है, नीतीश कुमार रैली का हिस्सा बनते हैं या फिर नीतीश कुमार कुछ और करते हैं, या फिर नीतीश कुमार को लालू प्रसाद यादव का डर इतना होता है कि वो वापस हो जाते हैं, ये सब कुछ अब अगले एपिसोड में। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगर आप फेसबुक के जरिए देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए और हमारा मनोबल बढ़ाइए ताकि हम आपके सामने ऐसी ही रोचक कहानियां लाते रहें और ऐसे ही आपको खबरों से अपडेट करते रहें। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए, नमस्कार।